अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी की सूखी सब्जी शेयर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और कम मसालों में बनती है और बहुत टेस्टी होती है। इसको एक तरह से जैसे आलू की कतलियाँ बनती है उस तरह से बनाते हैं, और गोल गोल इसको काट लेना और इसको अच्छे से वॉश कर लेना ताकि इसका जो भी लहसुन सा होता है वो सारे सब अच्छे से निकल जाए। और फ्रेश अच्छी सी अरवी लेना है, अरवी या गुया जो भी आप बोलते हो। और इसके लिए मसाले देखें कितने थोड़े से हैं, जिसमें हमने 1 टीस्पून मेथी दाने लिए हैं जो कि तड़के में जाएंगे, बाकी 1 टीस्पून जीरा है, और एक बड़ी इलायची है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/3 करीब हमारी रेड चिली पाउडर है। पीसने वाले मसालों में हमारे पास लहसुन और अदरक है, जो कि 1 इंच का अदरक टुकड़ा होगा और जिसे मैंने छोटे स्लाइस काट लिए हैं, इसे हम पीस लेंगे, और 10 से 11 हमारे ये लहसुन की कलियाँ होंगी। और ये मसाले हम पीस लेंगे, साथ में ग्राइंड कर लेंगे, और ये बाकी ये तो पिसा ही हुए हैं। बस देखिए इतने ही मसाले हैं, और बहुत ही आसानी से सीजन चल रहा है अरबी का। आप इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मसाला पीसने से पहले हम इसको फ्राई करने रख देते हैं। हमारी सबसे पहले मसाले से पहले अरबी जाएगी तेल में, तो जिसके लिए हमने तेल, देखिए हमारा गर्म हो गया तेल, हमारा जितनी हमारी आधा किलो अरबी है उस हिसाब से हमने थोड़ा सा तेल लेना है, करीब 60 से 70 ml। इसमें हम एक दम डाल देंगे, उसका कलर थोड़ा डार्क होने देंगे, काला बिल्कुल नहीं करना है, काला करेंगे तो मेथी कड़वी लगेगी खाने में, और सिर्फ इसे रेडनेस में डार्क रेड टाइप का कलर होना है। उसके बाद हम अपनी अरबी डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अरबी फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अरबी फ्राई करने से इसमें हमारी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है, और थोड़ा जो इसमें लिसलिसा सा होता है इसमें निकलता रहता है अरबी में, फ्राई होने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसे हम करीब 3-4 मिनट फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के साथ ही हम इसमें अपनी हल्दी भी डाल देंगे फ्राई करने में। मुश्किल से 3 से 4 मिनट हमने इसे फ्राई किया है। अब देखें ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें ज़रा भी लहसुन नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसमें अपने मसाले वगैरह डाल देते हैं, और मसाले भी भून लेते हैं। यहाँ पे सब पीसे मसाले डाल दिए, अपने पाउडर मसाले और लहसुन पेस्ट डालो, ये मिर्ची डाल दी हमने, ये करीब 1/3 मैंने नमक डाल दिया, 1 टीस्पून शायद ज़्यादा हो जाए क्योंकि ये सूखी सब्जी है, ग्रेवी तो है नहीं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें ये जो मसाले में पानी वगैरह डाल के अच्छे से उतार लेते हैं, ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो मसाले जार में लगे हैं वो वेस्ट ना हो, और सब पानी वगैरह जो भी हमने डाला वो सब अच्छे से हम भून लेते हैं। जो भी हमारे अदरक लहसुन थे वो सब भून गए, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इतना कि हमारी अरवी गल जाए, और थोड़ा सा हल्का सा में हल्का सा ढीलापन रहे, एकदम खुश्क नहीं रहती है। और एक अच्छे से एक बॉईल आने के बाद हम इसे लो कर देंगे, उसको गलाने के लिए हम इसमें लीड लगा देंगे, और इसको देखते रहेंगे जैसे ये गल जाएगी, इसको हम ऐसे चम्मच से तोड़ के देंगे जैसे ये अच्छे से गल जाए। बस ये भूनने और फ्राई करने में काफ़ी आधी तो गली गई होंगी, आधी और गलाना है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं, और 2 से 3 मिनट या 4 मिनट हम इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे। लेकिन 4 से 5 मिनट हुए होंगे, इसे हम खोल के देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा हल्का सा पानी भी है, और एकदम ये बिल्कुल खुश्क भी नहीं हुआ है जी। देख लेते हैं गल गई कि नहीं हमारी, देखें एकदम सॉफ्ट फट से गल जाती है, एकदम गल गई है। बंद कर देते हैं गैस और सीधी शॉर्ट करते हैं। तैयार है हमारी बहुत ही आसान सी रेसिपी अरवी की ये सब्जी सूखी, तो ज़रूर बनाएं इसे आप, बहुत जल्दी सुबह के टाइम में बना सकते हैं, जब हमें बहुत जल्दी होती है लंच बॉक्स के लिए हमें सूखी सब्जियों की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम में बनाएं। आप लंच में बनाएं दाल चावल के साथ, ये बहुत ही ईजी और बहुत टेस्टी सब्जी है, तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें। और रेसिपी हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।